बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम पहुँच चुके हैं पिटारो और अब आपको मिलवाएंगे, बहुत सारा इंजॉय करवाएंगे। और अभी तो नाइट हो रही है तो मॉर्निंग में आपको पिटारो का विज़िट करवाएंगे, साथ में जो है हम घूमेंगे फिरेंगे वो भी दिखाएंगे यहाँ पे कैसा है बाहर सारा एनवायरनमेंट। तो ये देखें बच्चों की मस्तियाँ, यहाँ मेरी देवरानी रहती हैं और देवर, तो उनकी बेटियाँ हैं दो, तो ये उन्होंने देखें क्या किया हुआ पीछे। तो बस फिर ऐसे ही मिलेंगे आपसे। सो गाइस, फिर यहाँ हम लोग आ गए हैं एग्ज़िबिशन में। तो ये रात का ही टाइम था तो यहाँ एग्ज़िबिशन थी। ये सब बच्चों की मेहनत है जो यहाँ पे पिटारो कैडेट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन और बहुत जो है मैनर्स इनके पास, तो क्या बोलें। और ये सारी इनकी मेहनत जो इन लोगों ने अपने हाथों से सारी पेंटिंग वगैरह की हुई हैं, मतलब हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। और काफ़ी चीज़ें और काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे इन लोगों ने जो एग्ज़िबिशन में अपने हाथों से, और अपने इन लोगों के जो एग्ज़ाम्स में ही जो इनके मार्क्स काउंट होते हैं, तो ये इनको एक प्रैक्टिकल मिला होता है जिसकी वजह से ये लोग ये एग्ज़िबिशन लगाते हैं और जो सा कुछ है वो अपने हाथ से ही तैयार करते हैं। तो बस ये देखें, फिर यहाँ आगे हम एक एक स्टॉल पे जा रहे थे और वहाँ पे जा जा के उनको देख रहे थे कि उन लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है, क्या चीज़ अपने हाथों से बनाई हुई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और काफ़ी जो है अच्छी अच्छी उन्होंने चीज़ें तैयार की हुई थी अपनी एग्ज़िबिशन के लिए। तो देखिए आप और आगे इंजॉय करें। हाँ जी, यहाँ पे मेरा भी चल रहा है। नो डोंट टच। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पिक्चर ले सकते हैं? हाँ, ऐसे पकड़े, इधर देख के ऐसे करें, ऐसे हाँ इंशा भी ले, यू करें मेरा इधर पकड़ के मेरा इधर भी देखे, स्माइल से चीज लगाए, ये देखे ये लगाए लगाए, ये वीडियो बनाना भाई, ऐसे ही करना, नहीं ये लो टोपी पहने, नहीं टोपी पहने, इंशा को भी पहनाए, इधर आओ इंशा, आओ इधर आओ जल्दी, पहननी है। और ये देखिए यहाँ पे सारा का सारा ये सिंधी और बलोचियों का जो कल्चर है उसमें जो जो चीज़ें की इस्तेमाल होता है ये वो सारी चीज़ों को ये प्रेजेंट कर रहे थे। तो आप भी देखते जाएं, यहाँ सारे इन्होंने मिट्टी के बर्तन वगैरह अपने हाथों से बनाए हुए हैं और पेंटिंग वगैरह, ये देखें सारे जो है सामान और सारी जो है मैप वगैरह।
सबके सब ये हैंडमेड हैं और ये अपने कल्चर को जो है प्रेजेंट, देखें कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने किया, डिफाइंड भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, उनकी ड्रेसिंग वगैरह भी और उनका जो भी रीत होती है वहाँ की, तो उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। तो आप देखते जाएं आगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बआसानी मिलती रहे। और ये देखिए कितना प्यारा सा इन्होंने घर बनाया हुआ है और ये यहाँ पे जो है बलूचिस्तान के लोग और गिलगित के लोग जिस तरह से जो है बैठते हैं और बैठक वगैरह होती हैं उनकी, तो वो उन्होंने की हुई है। और आप देखते जाएँ आगे ये बलूचिस्तान और उधर का रीत कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक बात जो है पूछनी भी थी और करनी भी थी, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत प्यारी सी सीनरी बनाई भी थी और इसमें बहुत ही ज़्यादा सोच वाली और जो है समझ वाली बात है, और आप लोग भी मुझे इसको ज़रूर बताइएगा। तो बात यह है कि यहाँ पे देखें जो सीनरी पे लिखा हुआ था छोटे से दो लाइन का शेर था, मगर ये इंसान के अंदर तक जाने वाली बात थी कि अपनी जो है रौनक भी घर की दी जाए। बेटी तो ऐसी चीज़ है कि अपने घर की रौनक भी दो और साथ में जहेज भी दो। जहेज के ऊपर उन्होंने ये एक शायरी सी लिखी थी। तो आपने भी मुझे बताना है कि जो ये रीत चलता है, माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए और अपनी ख़ास तौर पर अपनी बेटियों के लिए तो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं उनकी रुखसती के टाइम, मगर कुछ ससुराल वाले तो अच्छे मिल जाते हैं, कुछ घराने अच्छे मिल जाते हैं, तो कुछ लड़कियों के नसीब जो अल्लाह ताला की तरफ से जैसे आते हैं वो फिर उस मुश्किलात में आ जाती हैं। तो बस हर एक लड़की के लिए दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह पाक हर एक लड़की के नसीब और लड़कों के नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे बच्चे सारे मस्तियाँ कर रहे हैं, मुझे बहुत जो है इसकी जो दो लाइनों की शायरी थी ये दोनों के दोनों लाइनें मेरे दिल में लगी। वाकई मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मेरे माँ बाप भी ने जब हम लोगों को रुखसत किया है तो किस तरह से माँ बाप अपने बच्चियों के लिए करते हैं। तो चलें व्यूवर्स फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। तो आपको नेक्स्ट पार्ट इसका जो है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने मिस नहीं करना। और तो आपने मुझे शायरी जो शेर है उसके लिए ज़रूर कमेंट करना है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।